नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भैया कि वीडियो में दिखाऊंगा, पहले आप वीडियो देखिए पूरा, उसको गौर से सुनिए कि बंदा क्या कहना चाहता है। जी हाँ, फिर उस पर हम डिटेल से आगे और बात करेंगे कि अगर इस वीडियो के हिसाब से किसी के साथ भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका समाधान क्या हो सकता है। तो चलिए पहले आप वीडियो सुन लीजिए, देख लीजिए। सर, मेरा नाम नयाब आलम है, मैं इलाहाबाद कौशाम्बी जिले का रहने वाला हूँ। सर, मुझे एजेंट के द्वारा थ्रू आए थे हम यहाँ पे, और मुझे मॉल का काम बताया था, उधर से लेके आया, एक महीना मुझे बैठाया था रमज़ान में, उसके बाद यहाँ ला के छोड़ गया। ये अलवान अलकाफ कंपनी है, सप्लाई कंपनी है, यहाँ छोड़ गया। वीज़ा लगने के बाद पता चला कि वहाँ साइट पे जब गए तो वहाँ लोडिंग करवा रहा थे, 3-3 मीटर का बोर्ड होता है, जिप्सम बोर्ड, उसको ढलवाता है, 2-2 फ्लोर ऊपर, 3-3 फ्लोर ऊपर 40-40 बोर्ड चढ़वाते हैं, और भी चैनल है, और भी सारे सामान है, लकड़ा है, सब ढलवाता है। सर, मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, 5 महीने से मैं इसे मुसीबत झेल रहा हूँ। अब मैं काम के लिए बोला तो बोलता है काम करना पड़ेगा, मारने की धमकी देता है। और मेरे रूम में 3 महीने से रूम पूरी ये 3 महीना हो गया, रूम की एसी ख़राब है, कूलिंग नहीं करती, उधर साइड पे से गर्मी से आता हूँ मैं, इधर रूम में भी सो नहीं पाता, सारा पसीना रात भर निकलता है, ठीक से सो नहीं पाता, सुबह 4 बजे फिर उठना पड़ता है, फिर यहाँ से गाड़ी जाती, फिर यही हाल रोज़ होता है सर। और उससे कुछ बोलता हूँ तो मारने की धमकी देता है, आता है खड़ा होकर मारने की धमकी देता है, और मेरे साथियों को भी मारा भी है, कई लोगों को हाथ में खड़ा होकर कुछ मरवाता है। मेरा अरबाब इंडिया का अरबाब है, और ये केरला का है मड़वारी, वो मारने की धमकी देता है। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता सर, मैं इंडिया जाना चाहता हूँ, पासपोर्ट भी मेरा रखे हुए, पासपोर्ट भी नहीं दे रहा है, पासपोर्ट के बारे में मैंने कहा तो मारने की धमकी दे रहा है, कहीं यहीं मार दूँगा, कोई बचाने नहीं है, तो मुझे कुछ नहीं होगा, काम कह रहा है यहीं बैठा दूँगा 3 महीना तक, छुट्टी कैंसिल नहीं करूँगा, बैठाए रखूँगा, यहाँ भूखे मर जाओगे, ऐसे ही मर जाओगे, मारने की धमकी देता है। सर, मैं यहाँ अनसेफ हूँ, मुझे इंडिया जाना है सर, सैलरी भी टाइम से नहीं दे रहा है, 2 महीने भी सैलरी दे रहा है, 1 महीने की 1 महीने की सैलरी रोक के रखता है, यहाँ कैसे कैसे मुसीबत झेल रहे हैं सर। और एक एक रूम में 14-14 लोग हैं, आने जाने तक का रास्ता नहीं है, उसी में रूम की एसी नहीं है, बोल रहा है पंखा लगा के रखो, और सब पंखा लगा के रखे, बोलता है सब पंखा लगा के रखो, एसी हो चाहे ना हो, उससे क्या होगा, ऐसे ही काम करो, नहीं करोगे तो जाने नहीं देंगे, पासपोर्ट नहीं देंगे, मारने की धमकी देता है सर, बहुत मुसीबत है यहाँ पर, कैसे कैसे झेल रहे हैं सर, मदद करिए आप लोग मेरी जाने में, मैं इंडिया जाना चाहता हूँ। जी हाँ साथियों, तो आपने ये वीडियो देखा, ये वीडियो मुझे एक बंदे ने भेजा है जो यूएई में अजमान में काम कर रहा है पिछले 5 महीने से। अगर इसकी डिटेल की बात करें तो इसको एक एजेंट ने फुद्दू बना के, बेवकूफ़ बना के दुबई यूएई में भेजा था कि तुझे मॉल में काम मिल जाएगा, और बंदा मॉल के नाम से वहाँ पर गया था। अगर उसको पहले बता दिया जाता कि भाई तुझे ढुलाई का काम करना है, बड़े बड़े लट आपको यहाँ पर रख के ऊपर चढ़ाने होते हैं, तो बंदा हो सकता है मना कर देता। जी हाँ, इसको बंदे को लेके गया, 2 महीने इसको रूम पे बिठाया, फिर उसको डाल दिया इस काम में जो आपने वीडियो में देखा। ये कोई कंपनी है अलवान मकाब, जी हाँ, ग्रुप ऑफ कंपनीज है। देखिए बता दूं कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको किसी भी कंपनी में आती है, 100% इसका समाधान दुबई के लेबर लॉ में भी बताया गया है, बाकी आप किसी भी देश में रहते हैं, सब देशों में मजदूरों के हित में कानून बनाए गए हैं, लेकिन इसमें शर्त यह रहती है कि आपको पर्दे के पीछे से एक्शन लोगे ना तो ये स्थिति होगी जो इस भाई की हो रही है। आप लोग यकीन मानिए, मेरे मोबाइल पे कितने सारे लोगों मैसेज करते हैं, सर मुझे प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, मैं मर गया रहा, मैं मतलब ये स्थिति क्रिएट करते हैं। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ या आपको बोलता हूँ भाई सामने आना पड़ेगा आपको, तो आपकी जो प्रॉब्लम हो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है, आप शांति से बैठ जाते हैं। जी हाँ, फिर आपको दिमाग में घुस जाती है कि नहीं हम सामने तो नहीं आएंगे, जैसे हैं उसी में हम एडजस्ट कर लेंगे, चाहे मरे या जिए। आप लोगों की खासियत है, खास तौर से मजदूरी जो करते हो ना आप कंस्ट्रक्शन लाइन में या ब्लू कॉलर जॉब वाले लोगों की बता रहा हूँ, क्योंकि पैसे आपके लगते हैं, शोषण आपका होता है, समय पे तनख्वाह नहीं मिलती, समय पे खाना नहीं मिलता, फिर भी आपको आगे नहीं आना है। जी हाँ, क्योंकि आप सबको पता है यार, दिन में एक दो बंदा ऐसा आ ही जाता है, मैं बोलता हूँ भाई सामने आ जाओ आप, मैं वीडियो बना के शेयर करो, सोशल मीडिया पे डालते हैं,
कंपनी के खिलाफ भी बात करेंगे, कंपनी अपने आप बैकफुट पे आ जाएगी, लेकिन आप लोगों की हिम्मत नहीं होती है। जी हाँ, तो बता दूं भाई इस तरह की, देखिए कंपनी में आप कहीं पर भी काम करो, इस बंदे को देखा ना आपके कि भाई 14 बंदे एक रूम में बैठे, एसी 3 महीने से खराब है। दुबई जैसी कंट्री में भाई एसी खराब होके पंखे के नीचे 14 आदमी रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते ना। और कंपनी का जो बता रहे हैं कि जो कंपनी का मालिक है वो मलाई है। जी हाँ, सोचने की बात है, इंडियन बंदा है और केरलाकार, वो बंदा इंडियन बंदों को परेशान कर रहा है। जी हाँ, खास तौर से ये बड़ी बात है ना। इस बंदे का नाम है नायब आलम। जी हाँ, इस बंदे ने जिस तरीके से बातें बताई हैं, बंदे देखिए और भी लोग दुखी हैं, लेकिन और लोगों की हिम्मत नहीं कि वो सामने आ जाएं। इस बंदे से 2-3 दिन से लगातार मेरी बात हो रही है, मैंने बोला यार और भी लोगों को आप साथ करो, एक वीडियो बना के साथ में शेयर करो, ताकि उस पर कंपनी पे इफेक्ट पड़े। तो हो सकता है और लोगों ने उनकी, आप लोगों की तो फट गई होगी, आप लोगों को नहीं आना सामने, आपको जैसे है उस कीचड़ में वहीं आपको जिंदगी बिता लेनी है 2-3 साल। जितने बंदा बोल रहा है पासपोर्ट नहीं दूंगा मैं आपको, तुझे मार दूंगा मैं, तुझे 3 महीने तक बिठा दूंगा, भूखे मरेगा, ये करेगा वो करेगा, सीधी सीधी बात है भाई, धमकी दे रहा है। अब ये तो बात तो हो गई कंपनी के खिलाफ में। अब आप लोग अगर आपको लगता है कि भाई इस कंपनी अपने लायक है ही नहीं, आपको इसमें रहना ही नहीं है, तो आप कंपनी के सामने क्यों नहीं आते भाई? अगर छाती ठोक के सामने आ जाओगे ना, 100% गारंटी की बात है, कंपनी घुटने टेकते देर नहीं लगती है। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि गल्प जैसे देशों में कंपनियों को रह के काम करना है। दो मैं 100% यकीन मानिए, कंपनी के खिलाफ में शिकायत होती है तो कंपनी को ब्लैक लिस्ट होते, कंपनी को बंद करवाते, टाइम नहीं लगता वहाँ की सिस्टम को, सबको पता होना चाहिए। ये लोग जो कंपनी के बॉस बन के घूम रहे, आप ही के लोगों से, आप ही से कमा के, और वो वहाँ पे पैसे वाले बन रहे, राम को धमकी दे रहे हैं ना, मैं मार दूंगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। आप एक वीडियो बना लो उसका, वो आपको धमकी दे रहा है भाई। वीडियो बनाना बहुत आसान है यार, आप अकेले बंदे से, आप 10-12 बंदे होते हैं, कितने भी एक रूम में होते हैं, वो आपकी धमकी दे रहा है, एक बंदे से फेस टू फेस बात कर रहा है, बाकी मोबाइल तो आजकल सबके जेब में होता है, क्यों नहीं कर लेते? आप मुझे भेजिए व्हाट्सअप, आप मुझे भेज दो, आपको कुछ नहीं करना है, या आप अपने स्तर पर भी कर सकते हो यार, या फिर आप अपने नियर पुलिस स्टेशन में जा सकते हो, वो वीडियो दिखा सकते हो कि ये हमारा कंपनी का मालिक है, ये हमें धमकी दे रहा है, वो सबूत हो जाता है। उसमें आगे पीछे उसको सोचने की जरूरत नहीं होती है, सीधा उसके खिलाफ में मुकदमा लगता है। अरे भाई दुबई जैसी कंपनी में किसी को जोर से बोलने से मुकदमा लग जाता है, तो ये कंपनी, ये आदमी तो आपको धमकी सीधी सीधे मारने की दे रहा है। 100% इनके खिलाफ में अगर आप कुछ एक्शन ले लोगे ना, लीगल एक्शन, तो ये बैकफुट पे आके हाथ जोड़ते हुए मैं बता दूं आपको, लेकिन इसके लिए आगे आना पड़ेगा आपको। आप पर्दे के पीछे गुरह केयर बोलते हैं, हम तो बस आपको टेक्स्ट मैसेज ही करेंगे, हमारी तो वॉइस भी नहीं जानी चाहिए किसी के पास में, तब तो भाई कुछ नहीं होने वाला, समझ गए बात को। तो ऐसे लोगों के बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आपको कंपनी पूरे लेबर लॉ के अनुसार जो सुविधा वो नहीं मिलती है, तो लेबर कोर्ट में कंपनी के खिलाफ में केस तो कर सकते हो ना। अब आप लोगों को बोलोगे भाई उसमें टाइम लगता है, अरे तो टाइम तो बहुत लगता है भाई, माँ बाप जन्म के 20 साल तक आपको पालते पोसते तब जाके कमाने वाले होते हैं, जन्मते ही हो जाते हो क्या कमाने वाले? नहीं होते ना, हर चीज़ को टाइम लगता है, लेकिन उसका सोल्यूशन तो निकलता है ना। अगर आप 10-20 लड़के, 10-20 लोग कंपनी के खिलाफ में लेबर कोर्ट में मुकदमा कर देते हैं, कंपनी की इतनी बड़ी औकात है कि फिर भी वो हेगड़ी करेगी? नहीं कर सकती, अगर उसको वहाँ पे रह के काम करना है तो नहीं कर सकती। जी हाँ, 100% आपका समाधान हो सकता है यार, सोशल मीडिया पे सामने आ जाओ, आप कंपनी के खिलाफ में बोलना शुरू कर दो। बहुत सारे ऐसे हथियार हैं, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है भाई, और गल्फ जैसे देशों में है ना, कंपनियाँ हेगड़ी कर ही नहीं सकती। कंडीशन ये कि आपको सामने आना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, समझ गए होंगे बात को। तो दो ऑप्शन है भाई आपके पास, या तो आप छाती ठोक के सामने आ जाओ, या फिर आप जैसी स्थिति में उसी में आपका कल्याण होने वाला है, वहीं पे आप सड़ो गलो वहीं काम करते रहो, बस ये ऑप्शन होगा। ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो, तो कम से कम कहीं ना कहीं तो ये वीडियो पहुँचे ना। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद जय।